दिनों से रिलीज हो नहीं रही है, लेकिन मैं और मेरे बच्चे मूवीज से ज्यादा सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आज मेरे बच्चों ने सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न की डिमांड की है, तो आज मैं उनकी डिमांड पर सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने जा रही हूँ। आइए बनाते हैं। सबसे पहले पॉपकॉर्न तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पॉपकॉर्न का एक पैकेट लिया है। अब इसको गर्म कर रहे हैं, इसको डाल देते हैं। अब मैं इसको चला लेती हूँ। जब मेरे पॉपकॉर्न पॉपअप होएंगे तब मैं एक लिड की सहायता से इसको कवर कर दूंगी। इसको बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे और इसको चेक भी करते रहेंगे कि हमारे पॉपकॉर्न पॉपअप हो रहे हैं। ये देखिए पॉपकॉर्न बहुत अच्छे से पॉपअप हो रहे हैं। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे पॉपकॉर्न पॉपअप हो चुके हैं। ये देखिए मेरे पॉपकॉर्न बहुत अच्छे से पॉपअप हो चुके हैं। अब मैं इनको ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेती हूँ। जब तक हमारे पॉपकॉर्न ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कैरेमल की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कैरेमल कोटिंग के लिए मैंने थोड़ी सी चीनी ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। अब हमारी चीनी गर्म होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है शुगर को कुक करते समय ज़्यादा इसको चलाना नहीं है और हमें धीरे धीरे साइड से स्क्रैप करते रहना है। अब हमारी चीनी में गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। अब हमारा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और इसको मेल्ट होने अब हम इसको मेल्ट कर देते हैं। ये काम हमें गैस बंद करके ही करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और सोडे से हमारा जो टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट हो जाता है। अब हम इसमें जो पॉपकॉर्न पॉप किए रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से चला लूँगी मैं, जिससे हमारे कैरेमल की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। और आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसको कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे हमारी कोटिंग बराबर हो जाए।
आप लोग देख रहे हैं कि इस पर कैरमल की कोटिंग आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको ठंडे मार्बल पर निकाल लेंगे। और इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करके अलग अलग इसको कर लेंगे। अब हमारी कैरमल की कोटिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसको एक एक करके अलग कर लेंगे। इस प्रकार हम सारे पॉपकॉर्न अलग कर लेंगे। आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि हमारे पॉपकॉर्न बहुत ही क्रंची बने हुए हैं। इस प्रकार हमारे क्रंची क्रंची सॉल्टेड कैरेमल पॉपकॉर्न तैयार हैं। इसकी डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये क्रंची क्रंची पॉपकॉर्न पसंद आए होंगे। और यदि हमारे क्रंची क्रंची पॉपकॉर्न पसंद आए हैं तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।